मनुखी शरीर नूं लगण वालियां कई बीमारियां छेती ही पकड़ विच आ जांदियां ने, लेकिन कुछ अजिहियां बीमारियां भी ने जो पकड़ विच काफ़ी देर बाद आउंदियां ने, लेकिन उदों तक काफ़ी ज़्यादा देरी हो जाती है। तो इस नूं लैके ही PGI दे साइकैट्री डिपार्टमेंट वालों शनिवार नूं एक समागम करवाया जा रहा है। तो इस समागम दे विच फर्स्ट एपीसोड ऑफ साइकोसिस दे बारे चर्चा की जाएगी। इस नूं लैके PGI दे डॉक्टरों वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई। इस मौके डॉक्टरों ने जानकारी दी है कि जेकर किसी बच्चे दे विच कोई बदलाव वेखण नूं मिल रहा है जो कि उसके व्यवहार नाल मेल नहीं खांदा, तां बच्चे दे माता पिता नूं उस वल ध्यान देने की लोड़ है। तो इस नूं लैके ही PGI दे विच एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाया जा रहा है, जिस विच फर्स्ट एपीसोड ऑफ साइकोसिस नूं लैके लोकां नूं जागरूक किया जाएगा। इसका संबंध मानसिक बीमारी नाल है अते इस नूं लैके काफी लोकां दे विच जागरूकता की घाट है। ये जो है फर्स्ट एपिसोड साइकोसिस, ये इसका मतलब होता है कि साइकोसिस जो है कि एक भारी बीमारी पड़ती है जिसमें मरीज जो है, पेशेंट जो है, वो रियलिटी से बिछड़ जाते हैं। वो एक अपनी एक दुनिया में खो जाते हैं जिसमें जो चीज़ें नहीं हैं वो उनके लिए सच होता है, और जो सच है यानी कि जिसको हम हकीकत मानते हैं, वास्तव मानते हैं, वो उनके लिए अनरियल हो जाता है। अनरियल बिकम्स रियल एंड रियल बिकम्स अनरियल। तो ये भयंकर बीमारी है, लेकिन इसका इलाज हो सकता है। और इलाज के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम कहते हैं कि जितने यंग एज में कुछ भी पकड़ोगे तो उसका अच्छा असर होगा, तो फर्स्ट एपिसोड में अगर उसको हम पकड़ सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, तो वो बाद में जाके क्रॉनिक नहीं बनता। नहीं तो ये दिक्कत हो जाती है कि बाद में वो क्रॉनिक बन जाती है, और जितना क्रॉनिक बनती जाती है बीमारी उतना उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। और ये इलाज की जो इसका जो बुरा असर है इस क्रॉनिसिटी का, वो समाज के ऊपर भी पड़ता है, परिवार के ऊपर भी पड़ता है, काम काज के ऊपर पड़ते हैं, पैसे वैसे जो है वो सारा ख़त्म हो जाते हैं, इकोनॉमिक का नुकसान होता है। तो इन अ वर्ड इसमें इसका जो फिर उसका स्टिग्मा बहुत ज़्यादा, इसका जो धब्बा होता है, क्योंकि धीरे धीरे मरीज और भी अपना अलग 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 होते जाते हैं, तो इसका जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में धब्बा कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, जो है ना, वो जो है वो बढ़ता जाता है। फर्स्ट एपिसोड में इतना ज़्यादा नहीं होता है, सेकेंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड बार बार हो रहा है, वो एक कोट एंड कोट पागल हो जाता है। देन ही गेट्स द नेम ऑफ पागल, मैड मैन। इसको रोकने के लिए, क्रॉनिसिटी रोकने के लिए, पहले ही आपको धक्का लगाना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए जो सिस्टम चाहिए, जो एक अवेयरनेस चाहिए, वो विदेशों में ही शुरू हुआ है पिछले करीब 15-20 साल से, और इंडिया में अब कुछ देर से ही शुरू हुआ है। ये रिसेंट फिनोमेना है। तो कल जो हम जो सेम जो करने जा रहे हैं नेशनल प्रोग्राम, वो इसी में साइकियाट्रिस्ट में, मानसिक स्वास्थ्य में के जो काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स में, इसके बारे में जागरूकता जिसको कहते हैं, अवेयरनेस, वो बढ़ाने की कोशिश की है। इस मौके डॉक्टरों ने जानकारी दी कि जेकर बच्चा इकल्ले रहना शुरू कर देवे जां ड्रग लेना शुरू कर देवे तां वी डॉक्टर नूं विखाउणा चाहिंदा है, ते इह बीमारी दी शुरुआत हो सकदी है। जगबाणी TV लई चंडीगढ़ तों भगवत सिंह दी रिपोर्ट।